प्रीतमपुर के सागौर थाना क्षेत्र में रुपए डबल करने का लालच देकर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रेस वार्ता में नगर पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल ने बताया कि फरियादी भगवान सिंह कुशवा ने लिखित शिकायत की थी। उसके घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति पैसों को डबल कर देता है। मैं लालच में आकर सहकारी बैंक से 2,25,000 रुपए निकालकर मित्र दिलीप नाथ के साथ उसके कहे अनुसार पैसा एक स्टील के डब्बे में रखकर अपने लड़के के साथ गया। मानपुर लेबर फोर लेन पर एक सफेद कार में 3 लोग आए व एक सुनसान जगह पर बैठकर मुझे स्टील डिब्बा वहीं रखने का बोला। तब तक उन्होंने वहां अगरबत्ती लगाकर पूजा पाठ का बोला। पूजा पाठ के बाद एक दूसरा डिब्बा मुझे दिया गया और कहा गया कि इस डिब्बे को घर जाकर ही खोलना, आपका पैसा 4 गुना मिलेगा। मुझे उस दिए गए डब्बे को रास्ते में खोलने के लिए मना ही की और डराया कि रास्ते में खोलोगे तो आपकी जान जा सकती है। मैंने डब्बा घर जाकर खोला तो डब्बे में कुछ फूल पत्ती निकली। मैं समझ गया कि मैं ठगी का शिकार हो चुका हूं। पुलिस ने तुरंत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की गई है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, ये पैसे डबल कर ठगी करने का मामला आया थाना सागौर क्षेत्र में, क्या है पूरा मामला? दिनांक 26/11/22 को दिखान का में भगवान सिंह पिता छोटेलाल कुशवाहा ने एक रिपोर्ट लिखा है कि दिलीप नाथ उसको ये लालच दिया कि पैसे डबल हो जाते हैं और उसके साथ 3 आदमी और आए जिसे 2.5 लाख रुपए ले जाके और उटावत के पुल के पास पूजा अर्चना किए और डब्बे में 2.5 लाख रुपए निकाल दिए और बोल दिए कि अब डब्बा खोलना नहीं, तुम्हारा डबल हो गया है। जब वो घर आके देखा तो उस पैसे 2.5 लाख रुपए जा चुके थे। सूचना प्रकरण को गंभीरता से मानते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को बताया गया और उन्होंने निर्देश दिया कि तत्काल कार्रवाई करें। इसमें थाना सागौर में प्रकरण 420 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और 4 आरोपी जिसमें दिलीप नाथ, राहुल, विजय और गुड्डू नाथ, इन चारों को पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और दूसरी जगह किए हैं तो उसमें पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।